जामताड़ा सिविल सर्जन पर दिए इरफान अंसारी के बयान पर विवाद बढ़ गया है और इसे लेकर झांसा ने रविवार को अहम बैठक बुलाई है। वहीं इरफान अंसारी ने माफी मांगने से इनकार किया है, साथ ही कहा है कि घसीट कर लाने का मतलब प्यार ले से लाना है। ने की माफी मांगने की मांग, माफी मांगने से इरफान का इनकार। जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी के बयान पर विवाद हो गया है। विधायक ने जामताड़ा के सिविल सर्जन को घसीट कर लाने की बात कही थी, जिस पर झांसा ने कड़ी आपत्ति जताई। झांसा ने इसे लेकर रविवार को एक अहम बैठक बुलाई जिसमें आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा। झांसा ने विधायक इरफान अंसारी के सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने की मांग की। भाषाएं यूज कर की गई हैं वो अशोभनीय है, बिल्कुल निंदनीय है। हमारे राज्य सचिव के द्वारा इसमें ये किया गया है, प्रतिक्रिया दी गई है। हम लोग इस संबंध में एक मीटिंग भी राज्य स्तर पर करने वाले हैं और उसके अंदर से हम लोग उसमें एक सर्वसम्मति से एक डिसीजन लेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये अशोभनीय है, निंदनीय। जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी के बिगड़े बोल, जामताड़ा के सिविल सर्जन को घसीट कर लाने की कही बात। जामताड़ा में अनुबंध स्वास्थ्य कर्मियों के धरना स्थल पर दिया था बयान। झांसा ने इरफान अंसारी के बयान पर जताई है कड़ी नाराजगी। सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने की इरफान अंसारी से मांग। विधायक इरफान अंसारी ने किया माफी मांगने से इनकार। सिविल सर्जन पर दिए बयान पर इरफान अंसारी की सफाई। इरफान ने कहा घसीट कर लाने का मतलब प्यार से लाना। झांसा गलत पर पर्दा न डाले, गलत का साथ न दे। इरफान तो घसीट के लाने का मतलब ये थोड़े है कि हम उसको तो गर्दन में हाथ दे के ला रहे हैं, प्यार से भी ला सकता है लोग। कहने का मतलब मैं बुलाया था उनको, और ये नहीं कि हम घसीट के ला रहे हैं। हर चीज़ का गलत अर्थ ना निकाला जाए। और जो आपने बताया कि झांसा कर्मियों का बैठक कल होना है, तो मैं भी एक डॉक्टर हूँ, मैं भी एक मेम्बर हूँ, तो डॉक्टर यदि गलती करेगा, मैं गलती करूँगा, तो मुझे डॉक्टर बोलेगा ना भाई। तो इसका मतलब कि मीटिंग कीजिएगा क्या आप? जानिए जो सिविल सर्जन जो है, पहले एक डॉक्टर हैं आप, और डॉक्टर को आप, आपको गरिमा को देखते हुए आपको इस प्रोफेशन के अनुसार काम करना चाहिए। और जो सिविल सर्जन वहाँ पर है वो लगता है कि पदाधिकारी हैं, अफसर शाही है, ये तो नहीं चलेगा ना। विधायक इरफान अंसारी ने झांसा के अधिकारियों और जामताड़ा सिविल सर्जन से बात करने की बात कही है, साथ ही डॉक्टरों से इस मामले को ज्यादा तूल न देने की अपील भी की है। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। सीधा जुड़ेंगे सहयोगी सत्यव्रत किरण, हमारे साथ मौजूद है। सत्यव्रत, इरफान अंसारी और विवाद, ये एक ही सिक्के के दो पहलू है ऐसा लगता है, और ऐसा ही एक विवाद हुआ है उनके बयान पर। सिविल सर्जन को घसीट कर लाने की बात कही और बाद में सफाई भी देते हुए नजर आए कि घसीट कर लाना मतलब प्यार से लाना होता है। देखिये बिल्कुल सही कहा राजदा आपने कि विवादित बयान देकर सुर्खियों में बने रहना या शायद जामताड़ा विधायक को बखूबी आता है, लेकिन इस बार विधायक इरफान अंसारी ने जिस धरती के भगवान कहे जाने वाले चिकित्सकों पर इस तरह की विवादित बयानबाजी की है, अब पूरे चिकित्सा समाज में, खासकर अपने राज्य के चिकित्सकों में काफी रोष है और चिकित्सक गुस्से में है। इसी को लेकर कल जो है वो रविवार को रांची के करमटोली स्थित आईएमए भवन में एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, और इस बैठक में जो झांसा के अधिकारी हैं, राज्य भर से जो झांसा के चिकित्सक हैं, वो मौजूद रहेंगे, और इरफान अंसारी के खिलाफ कैसे मोर्चा खोला जाए इसकी तैयारी की जाएगी। मैं आपको बता दूं राजदा कि अनुबंध स्वास्थ्य कर्मी जो है वो अपनी मांगों को लेकर पिछले 12 दिनों से हड़ताल पर है, अनशन पर है, और रांची समेत सभी जिला मुख्यालयों पे अनुबंध स्वास्थ्य कर्मियों का प्रदर्शन चल रहा है। जामताड़ा के प्रदर्शन स्थल पहुंचे थे विधायक इरफान अंसारी, और उस दौरान उन्होंने कहा कि जो सिविल सर्जन जामताड़ा है उन्हें खींच कर लाया जाए, लेकिन अब जब उनसे इस बात की प्रतिक्रिया ली गई कि आखिर उन्होंने चिकित्सक के बारे में ऐसा क्यों कहा, और झांसा इस पूरे बयान का
विरोध कर रही है और सार्वजनिक तौर पर विधायक इरफान अंसारी से माफी मांगने की मांग कर रही है, तो कुछ कुछ जगहों पर इरफान अंसारी जो है वो बैकफुट पर होते नजर आए। हो सकता है अपने द्वारा दिए गए बयान से शायद उन्हें शर्मिंदगी महसूस हो रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक विधायक होने के नाते वो अपने बयान पर कायम भी रहे, क्योंकि उनका भी अपना एक लोग लाज है और वैसे में सार्वजनिक तौर पर किसी भी विधायक के द्वारा माफी मांगना शायद उनके लिए समस्या हो सकती है, लोगों का समर्थन उनके साथ होता है। आज जब उनसे बातचीत हो रही थी, राजभवन के समक्ष पहुंचे थे अनुबंध स्वास्थ्य कर्मियों से मिलने के लिए, उस दौरान उन्होंने कहा कि माफी मांगने का फिलहाल कोई सवाल उत्पन्न नहीं होता है। उन्होंने जो भी कहा वो उस समय के अनुसार कहा, क्योंकि उस वक्त मरीज परेशान थे, कोई चिकित्सक मौजूद नहीं था जामताड़ा में और खुद जामताड़ा सिविल सर्जन नहीं थे, इस कारण उन्हें इस तरह के बात का प्रयोग करना पड़ा और वो अपने बात से पीछे नहीं हटेंगे, बल्कि यह जरूर कहा कि अगर जरूरत पड़ती है तो झांसा के अधिकारियों के साथ, जामताड़ा सिविल सर्जन के साथ वो बात करेंगे। ये उन्होंने यह भी कहा कि वो खुद एक डॉक्टर है, पहले वो डॉक्टर है उसके बाद विधायक है, तो कई तरह के गोलमोल बात जो इरफान अंसारी करते हैं फिलहाल अभी भी कर रहे हैं, लेकिन देखना अब यह होगा कि कुछ घंटे बाद कल जब झांसा के अधिकारी झांसा के चिकित्सक बैठक करेंगे उसके बाद क्या कुछ निर्णय लिया जाता है। राजदा बिल्कुल सत्यव्रत, लेकिन जिस तरीके से इनका विवादित बयान होता है हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं, क्या सुर्खियों में बने रहने के लिए विवादित बयान देते हैं या फिर इनकी जबानी हमेशा फिसल जाती है? देखिए, शायद इरफान अंसारी को पता है कि कैसे सुर्खियों में बना रहा जाए और यही कारण है कि ये कोई पहली बात नहीं है। जब हम कहें कि विधायक इरफान अंसारी का जो स्लीप ऑफ टंग है वो हो गया हो, बल्कि इससे पहले भी कई बार किसी भी मुद्दे पे अगर आप विधायक इरफान अंसारी से किसी भी मामले को लेकर बातचीत करने जाएंगे तो उनका एक अलग अंदाज है जो शायद आपको दूसरे जनप्रतिनिधियों का नहीं दिखता होगा। हो सकता है उन्हें यह अंदाज उन्हें अपने आप में उसकी खासियत होगी या फिर जो है उस बयान के कारण वो अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। यानी कि इरफान अंसारी और विवादित बात ये दोनों आमने सामने रहते हैं और यही कारण है कि अक्सर उनके मुंह से ऐसी बातें निकल जाती है जो किसी ना किसी को ठेस पहुंचती है। लेकिन आज के सफाई में इरफान अंसारी ने कहा कि उनका मकसद किसी भी चिकित्सक को या चिकित्सक समुदाय को ठेस पहुंचाना नहीं है, लेकिन जिस तरह की बयान दी गई है उससे कहीं ना कहीं पूरे चिकित्सक समाज में जो है वो ठेस पहुंचता है और इसका जो है हो सकता है अगर बैठक के बाद सत्यव्रत जिस तरीके से अगर अनुबंध स्वास्थ्य कर्मियों की बात करें, ये लगातार अपनी मांग को लेकर अनशन पर बैठे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उस वक्त ऐसा विवादित बयान देना इनके जो आग है उन्हें हवा देने के बराबर है। आता है पूरा एक जो सबसे बड़ी सवाल उत्पन्न होती है कि पिछले करीब 12 दिनों से समायोजन के मांग को लेकर आंदोलन पर है, लेकिन 12 दिनों में अब तक किसी भी बड़े नेताओं की नजर नहीं पड़ी। हो सकता है कि एक बड़े पार्टी के जो नेता थे वो देवघर में जो है वो कार्यक्रम में बिजी होंगे, दूसरे जो बड़े पार्टी के लोग हैं वो रैली में बिजी है, लेकिन अब जाकर धीरे धीरे चाहे वो भाजपा के लोग हो कांग्रेस के लोग हो अब उनकी नजर शायद इन अनुबंध कर्मियों पर पड़ रही है। इरफान अंसारी गए थे अनुबंध स्वास्थ्य कर्मियों के समस्याओं को जानने के लिए, उनके मांग को जानने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह का विवादित बयान उन्होंने दिया उसके बाद अब यह पूरा अनुबंध स्वास्थ्य कर्मियों का जो आंदोलन है वो राजनीति
नीतिक रूप लेता जा रहा है। आप समझिए कि अनुबंध स्वास्थ्य कर्मियों के धरने पर गए और उनके द्वारा दिया गया जो विवाद है वो अब चिकित्सक नाराज है, यानी कि अनुबंध स्वास्थ्य कर्मियों का आंदोलन और उसका असर अब चिकित्सकों पर गया। वो चिकित्सक, वो झांसा के डॉक्टर जो कि लगातार अनुबंध स्वास्थ्य कर्मियों के आंदोलन को समर्थन दे रहे थे, तो राजनीतिक पार्टियों को चाहिए कि अगर आप किसी के पक्ष में गए हैं, अगर आप उनकी समस्या सुन रहे हैं, तो उसका निदान करें, न कि इस तरह के अनर्गल बयानबाजी करें जिससे आपकी तो छवि भले ही खराब हो लेकिन जो आंदोलन पे बैठे लोग हैं उन्हें भी मुसीबतों का सामना करना पड़ जाए। तो इस तरह के बयान से कहीं ना कहीं पूरे डॉक्टर समाज में एक रोष है और अब देखना है कि इस पूरे बयान को लेकर एक तरफ जहां चिकित्सक जो है, झांसा के जो डॉक्टर हैं, वो लगातार मांग कर रहे हैं कि इरफान अंसारी को जो है वो सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए, और दूसरी तरफ विधायक जी को अपने कहे पर कोई पछतावा नहीं है बल्कि वो अपने बयान पर कायम है। ये जरूर कहा कि अगर जरूरत पड़ेगी तो चिकित्सकों से बातचीत करेंगे, और उनका कहने का मतलब कहीं से यह नहीं था कि किसी भी चिकित्सक के को आहत पहुंचे, उसे ठेस पहुंचाया जाए। तो फिलहाल आने वाले कुछ घंटों बाद यह क्या रंग लेता है वो देखना होगा, लेकिन विवादों से नाता इरफान अंसारी का पुराना रहा है, लेकिन इस बार नाता राज्य के उन चिकित्सकों से पड़ा है जिन्हें धरती का भगवान कहा जाता है। राजदा बिल्कुल सत्यव्रत, अब देखना यह है कि झांसा की बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया जाता है और क्या अब इरफान अंसारी बैकफुट पर आएंगे या फिर ये जिस तरीके से इनका कहना है कि ये माफी नहीं मांगेंगे, अब देखना ये होगा कि आगे क्या कुछ होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आप हमारे साथ बने रहे सत्यव्रत, अगली खबर पर भी हम आपसे कुछ जानकारी चाहेंगे। तो इरफान अंसारी लगातार विवादों से घिरे रहते हैं और ऐसा ही विवाद एक बार फिर से खड़ा हुआ है जहां वो सिविल सर्जन को घसीट कर लाने की बात कहते हैं और चिकित्सक जो है इस बात से खासे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।